हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट वेलकम रोड एंड अप्रोच बायोडेट पे एक नई अपडेट के साथ, जो कि हमारा AP 9 से लेकर AP 1 तक के हो रहे जो डेस्क लैब है, हमारे नॉन स्टैंडर्ड डेस्क लैब, उस पर हो रहे कास्टिंग पे एक अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमारा जो 9 एंड 8 और 8 एंड 7 का जो हमारा स्पैन था और 7 टू 6 का जो स्पैन है वो कास्ट हो चुका था। अभी हमारी कास्टिंग चल रही है 6 टू 5 की। सामने आप देख रहे होंगे बूम प्लेसर के थ्रू इसकी कास्टिंग हो रही है। 85% कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी ले चलेंगे थोड़ी देर में आपको कास्टिंग के पास, कैसे कास्टिंग हो रही है वहाँ दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा AP 8 एंड 9 का स्पैन था, स्लैब होने के बाद जो हमारा ब्लास्ट रिटेनर है उसकी सटरिंग लगा के रेडी कर दी गई है, साथ ही साथ इसकी कास्टिंग भी की जाएगी। और बाकी जो स्पैन आप देख रहे हैं जो डेस्क स्लैब कास्ट हो चुके हैं, उनके सारे ब्लास्ट स्पैन के रेनफोर्समेंट बाइंडिंग का काम कम्प्लीट कर दिया गया है और 2 सेट सटरिंग के साथ इनकी सटरिंग भी की जा रही है। और जो हमारे आगे के डेस्क स्लैब हैं वो इरेक्शन कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो अभी आपको ले चलते हैं जो हमारा 6 एंड 5 जो हमारा डेस्क स्लैब कास्टिंग हो रहा है, जिसकी टारगेट डेट थी कास्टिंग की 5 दिसंबर को, तो कल शाम को ये कास्टिंग स्टार्ट हुई थी और अब कंप्लीशन के मूड में आ चुकी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कैसे हो रही है कास्टिंग। ये देख सकते हैं 7 टू 6 का जो स्पैन था, इसके भी क्यूरिंग पीरियड है, चल रही है। तो इस पर देख सकते हैं पॉन्डिंग की गई है, यहाँ पे 1:6 के मसाले से रेशियो बनाकर इसकी पॉन्डिंग की जाती है और हर एक स्पैन को क्यूरिंग किया जाता है वाटर पंप के थ्रू। और 24 डेज क्यूरिंग के बाद इस पॉन्ड को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और इसके ब्लास्ट रिटर्नर का वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों जहाँ पर हमारा 5 टू 6 स्पैन है जिसकी कास्टिंग हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे बूम प्रेशर प्लेस किया हुआ है नीचे से और वहाँ से कंक्रीट TM मूव करके प्लांट से ला रहा है और इसकी कास्टिंग की जा रही है। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे निडिल वाइब्रेटर भी रखा हुआ है जिससे कंक्रीट को वाइब्रेट किया जाता है कॉम्पैक्शन के लिए। और साथ में साथ मेसन की टीम है जो फिनिशिंग करते हुए आ रही है। ये देख सकते हैं सामने जहाँ से कंक्रीट फिनिशिंग की जा रही है, वहाँ से हमारा जो सरफेस को रफ रखने के लिए ब्रूम के थ्रू यहाँ पे मार्क दिया जा रहा है, जिससे कि इंस्पेक्शन जॉइंट जब हम करते हैं अपना वेयरिंग कोर्स की कास्टिंग, तो उसमें एक अच्छी सी जॉइंटिंग बॉन्डिंग बन जाए। ये देख सकते हैं मिस्त्री यहाँ पे फिनिशिंग कर रहा है और इसके थोड़ी देर बाद इसको ब्रूमिंग की जाएगी। देख सकते हैं लेबर ब्रूम लेके खड़ा है रेनफोर्समेंट में ऐड करके, उसके थ्रू ये इस तरह के स्टिच बना देते हैं हम लोग, जिससे कि हमारी वेयरिंग कोर्स की कास्टिंग को अच्छे से बॉन्डिंग मिल सके। तो देख सकते हैं आपने इस वहाँ पे 50% से ज़्यादा कास्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है, 80% समथिंग। और आगे वाले स्पैन में देख रहे हैं जो हमारा 4 टू 5 है, वहाँ पे डेस्क स्लैब की सटरिंग लग रही है और जो 4 टू 3 है उसमें डेस्क स्लैब का इरेक्शन हो चुका है और उस पर हमारा बॉटम सटरिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है। लास्ट 2 स्पैन बचा हुआ है, उसके लिए भी क्रेन और मार्चिंग कर रही है, थोड़ी देर में इसकी इरेक्शन भी की जाएगी। सामने आप देख रहे होंगे AP 1 जो हमारा है, AP 1 का जो टॉप का हमारा बीम है उसकी रेनफोर्समेंट और शटरिंग का वर्क 100% कंप्लीट कर लिया गया है। उसके पेडेस्टल जिस पे हमारे गर्डर लॉन्च करेंगे उसके रेनफोर्समेंट बाइंडिंग का वर्क चल रहा है, तो उसकी कास्टिंग आज करने का टारगेट है। उसके बाद हमारा AP 2 को भी सेम स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाएगा और AP 3, उसके बाद हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर वर्क कम्प्लीट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप ये ब्रूमिंग की जा रही है यहाँ पे। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, हमारा ये कास्टिंग के लिए बचा हुआ है। ये निडल वाइब्रेटर है जो 60 mm की निडल के साथ इस कंक्रीट को वाइब्रेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा AP 9 से लेके AP 1 तक हो रहे वर्क पे एक नया अपडेट और लेटेस्ट अपडेट। अब मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।